अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। ये अनमोल शब्द मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। को हम गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय भी उसी से संबंधित है, राजनीति में गांधी जी की अहिंसा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शंकर शरण जी, जो कि एनसीईआरटी के समाज विज्ञान शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। आज के कार्यक्रम चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजनीति में गांधी जी के अहिंसा के किस्से। शंकर जी, जैसा कि हमारे आज की चर्चा का विषय गांधी जी के इर्द गिर्द है, तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे गांधीवाद, गांधी शब्द। गांधीवाद का अर्थ है जो कि किसीवाद का किसी महापुरुष के नाम से है, कि जो उनके कार्य या उनकी मूल शिक्षाएं इनको मिलाकर एक वाद, बावजूद के इनके से यह होता है उनको ये पसंद नहीं आता। गांधी जी के में ये गांधीवाद शब्द चलने लगा कि जो लोग गांधी के अनुयायी हैं या गांधी की बातें मानते हैं और गांधी जी जो शिक्षाएं हैं या उनके विचार हैं, इन सब ला करके उसको गांधीवाद कहा जाता है। एक आप कर सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा बात है उसको काफी प्रयोग किया है, तो महात्मा गांधी जी के संदर्भ में अहिंसा का क्या मतलब था? गांधी जी ने पूरे जीवन जो भी लिखा बोला किया उसमें वो हमेशा कहते थे कि संपूर्ण कार्यों का संपूर्ण विचार पर सत्य और अहिंसा, उसमें इन्होंने भी जोड़ा उनकी दोहराई शब्द यह सत्य और अहिंसा। तो अहिंसा एक तरह से कहना चाहिए कि पूर्ण दर्शन का आधार, लेकिन उनकी जो अहिंसा थी बोलते भी थे, क्योंकि अपने समय में जो सभी मनीषी हैं या लीडर साथ उनका भी होता था, विवाद भी होता, तो वो हमें व्याख्या में बोलते थे मेरी परिभाषा में। तो इससे स्पष्ट निकलता है दूसरी परिभाषा भी है, इत्तेफाक रखते थे या इसका प्रयोग करते थे। तो गांधी जी अहिंसा का प्रयोग करते थे, अहिंसा का अर्थ बनाते थे कि वो कभी किसी शस्त्र का सहारा नहीं लेना, कोई रहा है मारना, हर हाल में अहिंसा के माध्यम से अपना काम। अहिंसा का सीधे जुड़ी थी किसी भी शस्त्र या बल का प्रयोग ना करना, शारीरिक बल का प्रयोग, शस्त्र बल का प्रयोग इस हालत में ना करना। या यदि अहिंसा यह मत भारतीय परंपरा में नहीं है और समानता उस परंपराओं में भी नहीं, भारतीय परंपरा में जो हमारे दर्शन हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं या फिर हमारे पुराण हैं, की मनाही नहीं कि शस्त्र का प्रयोग ना करें। जैसे कोई आक्रमण कर रहा हो आपको बचाव के लिए आपको शस्त्र प्रयोग करना है, लेकिन आप किसी निर्दोष को ये का द्वेष या उद्वेग ना हो, ये भारतीय परंपरा में अहिंसा का। और मुझे लगता है कि जी इस सहमत नहीं थे, वो ये सीधे सीधे कहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह बार बार बल में परिभाषा में पुस्तक प्रसिद्ध है, पहली जैसी पुस्तक 1909 में वो आई थी प्रश्नों से, उसमें उन्होंने को प्रकाशित किया और उसमें वो उसमें और बाद में अपने भाषणों में व्याख्या में या लेखों में संपादकीय जो कि जिसको कहते हैं ना, यदि किसी हालत में आपको उठाना है मारने भी आ तो आप मर जाए, लेकिन किसी हालत में जवाब न दे। गांधी जी की अहिंसा का
जैसे आपने बात महात्मा गांधी जी की अहिंसा, महात्मा गांधी जी की अहिंसा भारत के संघर्ष कैसे बनी? अच्छा सवाल है। और जो फिल्मी गीत है पर प्रोटेस्ट कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना साबरमती का, मुझे लगता है कि ये जो अनुयायियों भक्तों का या समर्थकों को दिया हुआ भाव है ये नहीं है कि हाल के वर्षों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत ही नई बात आ रही है और उसमें ब्रिटिश से ही ब्रिटिश द्वारा मूल्यांकन है कि वास्तव में अंग्रेजों ने जब निर्णय किया कि हम भारत में नहीं रह सकते तो कारण सुभाष चंद्र बोस का उभार था। उससे भी पहले और आज तक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राज, इनके प्रति जो देश के जनता में सम्मान है, स्वतः स्फूर्त सम्मान है, ये दिखाता है कि देश के स्वतंत्रता के संघर्ष सिर्फ गांधी की ही भूमिका नहीं थी बल्कि उनकी भी भूमिका थी जो कि शस्त्र का या हथियार का प्रयोग करके अंग्रेजों को या विदेशी आगंतुकों को खत्म करना चाहते थे। तो ये स्पष्टता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के आने के बाद भी और उससे पहले भी, तो उससे पहले खिलाफ आंदोलन हुआ स्वदेश आंदोलन, हाँ जी, उसमें भी क्रांतिकारी थे मास्टर सुवीर सेन, फिर श्री अरविंदो, उसके बाद ये हमारे क्रांतिकारी आए और अंत में सुभाष चंद्र बोस। तो उससे पहले भी 1857 जिसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सब में हथियारों का प्रयोग हुआ, राजनीति, युद्ध, शास्त्र, इसमें शस्त्र बल का प्रयोग और ये अपरिहार्य है, इसके बिना वो हो नहीं सकता कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आधार गांधी जी के आते थे। मुझे यह कहना अधिक उचित होता है कि गांधी जी की भूमिका भी बहुत बड़ी थी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की थी जो गांधी जी की अहिंसा को राजनीति सामाजिक व्यवहार के लिए उस रूप में उपयुक्त नहीं मानते थे जैसा गांधी जी मानते थे। शंकर जी, जैसे आप तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को हिंसा की पर माना, तो क्रांतिकारियों का मानना था कि जैसा क्रांतिकारी मानते थे कि हम हिंसा के द्वारा आजादी पा सकते हैं, तो लेकिन महात्मा गांधी जी ने हिंसा को हिंसा के ऊपर माना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे ये आपने ठीक कहा कि गांधी जी हमेशा कहते थे, हाँ जी, उन्होंने हिंद स्वराज भी लिखा है कि अहिंसा बल को पर, लेकिन जब भी अवसर आया जी एक बार भी साबित करके समय में भी नहीं दिखा सकते और इसके अवसर बार बार आते हैं। जैसे सबसे पहले एक अंतरोध भी है जो उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, वो यह कि गांधी जी ने अहिंसा को तो बल से बड़ा मानते थे और किसी भी हालत में हिंसा ना करने पर जब वो आए 15 से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे, 3 दशकों से भी ज्यादा समय उनका वहां था। तो यहाँ पर उनका जो पहला बड़ा राजनीतिक अभियान हुआ वो एक विरोधाभासी कार्य है कि पहला बड़ा राजनीतिक अभियान उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना के लिए भारतीयों की भर्ती कराने का किया 1917-18 में। और सच तो यह है कि इसी पर उनका सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना से मतभेद हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस नहीं थी कि अंग्रेजों की आर्मी के लिए हम भारतीय सेना की भर्ती करें, वह भी के लिए जो साम्राज्यवादी युद्ध, ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी शक्ति था और प्रथम विश्व उसी तरह की शक्तियां थी, अभियान चलाना तो जैसे ये उनके अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध है कि आप एक शक्ति के लिए भारतीयों की कर रहे हैं जिसमें भारत का कोई हित नहीं है, न्याय का पक्ष नहीं है। तो लेकिन गांधी का मानना था कि ये अच्छी क्या करता है जो को भी बाद में हमें अंग्रेज कुछ
रियायतें, तो एक तो ये हम तजुर्बे कि गांधी जी ने हमेशा हिंसा का उपयोग किया और हिंसा को हर हालत में स्वीकार नहीं किया, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती कराई, फिर खलीफत आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुई, फिर भारत विभाजन करने में और उसके बाद हिंसा हुई। इन सब हिंसा में गांधी जी की नीतियों का, निर्णयों का कुछ न कुछ योगदान है। इसलिए यह भी कहना उचित नहीं है कि उनकी उनकी अहिंसात्मक नीति और क्रांतिकारियों की हिंसात्मक नीति किस कैसे देखा जाए। तो मुझे ये लगता है कि गांधी जी ने यह दावा तो जरूर किया कि अहिंसा में तोप बल से भी बड़ी शक्ति है, लेकिन आप देखिए कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन के साथ स्वतंत्र हुआ, तो बड़े पैमाने पर मार काट की, जो हिस्सा पाकिस्तान गया वहाँ बड़े पैमाने पर जो हिंदू सिख थे उनको मार के यहाँ भगाया गया, तो ऐसा देखा गया। और खलीफत आंदोलन के समय भी और 42 में भी ऐसा देखा गया कि गांधी जी इसका प्रमाण कभी नहीं दे सके कि उनकी अहिंसा में तोप बल से भी बड़ी शक्ति है, ये नहीं हो सका। और जब स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो शायद ये अपुष्ट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पटेल ने गांधी जी से पूछा कि अब क्या करें, अगर आप कोई सत्याग्रही और शांतिपूर्ण कोई उपाय अगर आप उपयोग करना है, तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप सेना भेजिए, क्योंकि सेना के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। किसी का आक्रमण हुआ है तो उसका कोई अहिंसात्मक हो सकता है, ऐसा गांधी जी ने करके नहीं दिखाया, उसमें वो विफल है। और ये पहले भी हुआ। तो जैसे शंकर जी आपने बताया कि गांधी जी विफल रहे अहिंसा को प्रैक्टिकली दिखाने राजनीति में, तो क्या गांधी के विचारों, गांधी जी के विचारों का आलोचना करना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गांधी जी स्वयं कहते थे सत्य सबसे बड़ा धर्म है, तो सत्य गांधी जी से भी ऊपर है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे राज्य के एम्बलन में भी लिखा हुआ है सत्य नहीं जयते। तो और हम मरणशील हैं, नेता भी हमारे बड़े बड़े विद्वान भी मनुष्य, तो कोई सर्वज्ञानी होने का दावा नहीं कर सकता और हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। और हमें अपने हर एक व्यक्ति का क्षेत्र, हर एक व्यक्ति का क्षेत्र अलग अलग होता है। कोई एक विषय का विद्वान है, किसी एक स्किल का जानकार है, कोई किसी हुनर का मास्टर है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की हर एक फील्ड में कही गई बात सही हो। पॉलिटिशियन, आखिर गांधी जी मुख्यतः पॉलिटिशियन और कम से कम भारत में, तो इसमें जो विचार दर्शन के क्षेत्र के हैं, सिद्धांत के क्षेत्र के, शास्त्र क्षेत्रों के, उसमें अगर उनकी बातें ऐसी हैं, उसकी ना करना या उस वस्तुतः सीखने के बराबर। एक तरह से हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी भी महापुरुष को या किसी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है उसके जीवन से सीखना। तो सीखना दोनों तरह का होता है, हम किसी की सफलता से भी सीखते हैं, किसी की विफलता से भी सीखते हैं। तो अगर गांधी जी है या नेहरू जी है या सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, कोई भी है, अगर उनके जीवन, अगर उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो यह श्रद्धा इसमें भी प्रकट होती है कि उनके जीवन की सफलताओं से भी हम सीखते, उनकी विफलताओं से भी हम सीखते। तो अहिंसा एक आध्यात्मिक शब्द है और भगवान बुद्ध या पूरा बुद्ध धर्म अहिंसा पर खड़ा है। उसी तरह उससे पहले भी महाभारत में भी अहिंसा परमो धर्म वही लिखा हुआ है, लेकिन वह किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसका अर्थ क्या है। वस्तुतः जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अहिंसा एक व्यक्तिगत व्यवहार की चीज है, उसका सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार एक भिन्न विषय है। तो गांधी जी जिस हद तक भगवान बुद्ध की अहिंसा या शांति या अहिंसा वाला व्यवहार वाला है, उस हद तक वो बात ठीक है, लेकिन राजनीति में इसका प्रयोग संभव नहीं है।
इसीलिए जब हम ये इस बात के लिए आलोचना करते हैं तो ये आलोचना आलोचना उनकी निंदा नहीं है, दोनों में अंतर है। हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने आप के लिए हम सही सीख लेने के लिए इस पर हम ऐसी नजर डालते हैं और इसीलिए हम तुलना करते हैं कि उनकी बात की बात पर दूसरे उनके समय के मनुष्यों ने क्या कहा, श्री अरविंद ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, क्या हमारे शास्त्र क्या कहते हैं या जिनका आपने बुद्ध भगवान की अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा क्या ये एक जैसी चीज है या इसमें क्या अंतर, कुछ अंतर है? नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, गांधी की अहिंसा में शायद लिखा भी है, ये हिंदू स्वराज अध्याय 10 में गांधी जी लिखते हैं, इट इज नॉट रिटन दैट ए फॉलोअर ऑफ द रिलीजन ऑफ अहिंसा नॉन किलिंग मे किल ए फेलो. For him the way is straight. In order to save one being, he may not kill another. He can only plead. Therein lies his sole duty. अहिंसा कार्य को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, यह कहीं नहीं लिखा है, ये गांधी जी कह रहे हैं। अहिंसक के लिए तो राह सीधी है, उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, समझाने का काम करना चाहिए, इसी में उसका पुरुषार्थ है। तो ये गांधी जी का अहिंसा का। लेकिन जो भगवान बुद्ध की अहिंसा है या हमारे शास्त्रीय परंपरा में अहिंसा है, उसका अर्थ है कि आपके मन के वृत्ति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। पूरा एक क्षात्र धर्म है भारतीय परंपरा में, क्षत्रिय का धर्म, और क्षत्रिय का धर्म ही है शस्त्र से लोगों की रक्षा करना, किसी अन्यायी का, जुल्मी का प्रतिकार करना। और उसी में हमें क्रांतिकारियों को देखना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को देखना चाहिए, शिवाजी को चाहिए। और इसलिए भारत की संपूर्ण धर्म प्राण जनता प्रिय भी, लेकिन वह इन सब लोगों को अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुष मानती है, चाहे वो महाराणा प्रताप, शिवाजी हो, ये चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी हो, इनकी दूसरी चीजों में कोई भूल है, फिर भी वो इनको महापुरुष मानते हैं। क्यों? ऐसा शास्त्रीय है कि अगर कोई अन्यायी आक्रमण कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसका प्रतिकार शस्त्र से करना चाहिए। इस अर्थ में गांधी जी की अहिंसा और बुद्ध की अहिंसा, भारतीय अर्थों में अहिंसा, दोनों में बुनियादी अंतर है। मैं आगे ये समझना चाहूंगी कि जैसे राजनीति में अहिंसा की बात चल रही है, राजनीति में कुछ इनमें कुछ हम बोल सकते हैं कि अहिंसा और राजनीति का कुछ संबंध है या वो अलग है? नहीं, संबंध तो है, और उस अर्थ में अर्थ है, उस अर्थ में संबंध, अर्थ में भारतीय शास्त्रीय परंपरा में अहिंसा का है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही अर्थ पूरी दुनिया में आ जाता है, उसको लोग अलग अलग से थ्योराइज करते होंगे। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अर्थ क्या है, मैंने कहा लेकिन मैं उसे फिर से उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, रामायण में राम बाली का वध करते हैं, बाली पूछता भी है, हाँ जी, कि भाई प्रभु आपने मुझे क्यों मारा, आपको मेरा भाई प्यारा है और मुझे आपने छिप करके ब्याध की भांति मारा, तो मेरा अपराध क्या है? राम उनको बताते हैं तुम्हारा अपराध क्या है, कि तुमने ये काम गलत किए। मैं भूल रहा हूँ श्लोक, लेकिन उसमें है कि भगनी और कौन कौन, इनके इन पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, और जिसने ऐसा किया है वह वध का अधिकारी है, तो मैंने तुम्हारा वध किया, तुमने तो ये। लेकिन गांधी जी का यह कृत्य हिंसा नहीं है, क्योंकि वह करने के बाद वो लक्ष्मण को बाली के घर भेजते हैं, हाँ, तो उनके परिवार को सांत्वना दो, तो वो उन्होंने यह कर्तव्य भाव से यह किया। तो यह जो कर्तव्य भाव है और मन में कोई द्वेष ना होना जिसको आप मार रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, जैसे हमारे जजेस किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो कैसे ड्यूटीफुली देते हैं, उनका ड्यूटी है। फिर सेना में लोग सीमा पर हैं, ये आपने देखा होगा, टेलीविजन पर आता भी है, वाघा सीमा पर भारतीय सैन्य किसी अवसर पर भारतीय पक्ष
पाकिस्तानी पक्ष को फूल और मिठाई दे रहा है, पाकिस्तानी पक्ष भी ऐसा कर रहा है, चीनी सेना पर भी, सीमा पर भी ऐसा होता है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ भी वही भारतीय अर्थ है, वो दोनों हिंसा शस्त्र उठाए हुए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, लेकिन दोनों में ड्यूटी का भाव है कि भाई ये हमारी ड्यूटी है कि ऑर्डर मिलेगा तो हम गोली चलाएंगे और उसमें वो मारे जाएंगे। लेकिन ये हम विद्वेष से नहीं कर रहे हैं, क्रोध से नहीं कर रहे हैं और अन्याय के रूप में नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं। तो अगर आप कर्तव्य के रूप में ऐसा शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं जिससे मर रहा है या बहुत बड़ी संख्या में भी लोग मर रहे हैं, तो ये भारतीय परंपरा में और मैं समझता हूँ कि दुनिया की परंपरा में इसको हिंसा नहीं समझा जाता है। इसको अहिंसा नहीं समझा जाता है। तो अगर इसी बात पे अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछूं कि हमारे पास भारतीय सेना बल है, पुलिस बल है, तो क्या ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न गांधी जी से ही पूछा जाता तो अच्छा था। मेरे ख्याल से पूछा गया भी है, लेकिन गांधी जी उस मामले में स्लिपरी कस्टमर थे। मैंने लोग कहते हैं कि भाई वो फिसल जाते थे, जो असुविधाजनक सवाल होता था उसमें वो तरह तरह के जवाब देते थे। और एक लोग बहुत लोगों ने जो गांधी जी पर जिन लोगों ने काम किया उन्होंने पाया है कि गांधी जी के पूरे कथन में, उनके वांग्मय में और क्रियाकलाप में अंतर्विरोधी स्थितियाँ भी दिखती। तो मुझे लगता है कि एक बार ऐसा प्रसंग हुआ था, ये चंद्र सिंह गढ़वाली, हाँ जी, वो उनका नाम प्रसिद्ध है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, इसलिए कि वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के नायक थे, सूबेदार थे, मतलब सिपाही से ऊपर किसी पद पर थे। तो उन्होंने एक बार ये इसको कहते हैं सत्याग्रह का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने अफसरों की बात नहीं मानेंगे। मतलब कहा कुछ जैसे गोलियां तो सब भारतीय सैनिक ही चलाते थे, कमांडर सैनिक हो, ये अंग्रेज होते थे, हाँ जी, वो चाहे जलियांवाला बाग हो या सारी हमारे लोगों को जेल देने वाली बात हो, कोड़े फटकारने वाले सब तो भारतीय सैनिक करते थे। उसी तरह चंद सिंह गढ़वाली ने एक बार ऐसा करने से मना कर दिया। शायद ये उसी समय प्रथम सत्याग्रह के समय की ही बात। तो गांधी जी ने तो उसने तो अहिंसा की, सत्याग्रह भी किया और सविनय अवज्ञा भी की, हाँ जी, कि उसने कहा कि हमारे अधिकारियों ने कहा है गोली चलाओ, हम गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। तो यह सविनय भी था, अवज्ञा भी था, अहिंसा भी थी, लेकिन गांधी जी ने उसकी निंदा की चंद सिंह गढ़वाली के और कहा कि वो तो सैनिक है, उसका कर्तव्य आदेश का पालन करना था, उसने आदेश का पालन नहीं किया तो उसने गलती की। तो गांधी जी में हम अंतर्विरोधी स्थितियाँ भी पाते हैं। तो इसी स्थिति में अगर मुझे लगता है कि सेना और पुलिस का होना और गांधी जी के को महापुरुष मानना या गांधी अपने आप को गांधीवादी कहना में अंतर्विरोध नहीं है, जैसा मैंने आपको उल्लेख भी किया कि जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया तो गांधी जी की सहमति से ही सेना भेजी गई थी। तो ऐसा लगता है कि इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि गांधी जी ने भी इसको रियलाइज किया था कि हर स्थिति में अहिंसा से देश की रक्षा या समाज की रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन इसका अवसर नहीं आया कि वो और आगे रहते तो वो इसको कैसे इसकी व्याख्या करते। लेकिन मुझे लगता है कि सेना और पुलिस के बिना कोई राजतंत्र नहीं चल सकता। राजतंत्र का काम ही है दमन करना और सुरक्षा करना, और जिसमें हथियारों का प्रयोग, सैन्य बल का प्रयोग अनिवार्य है। तो इसीलिए हम गांधी जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सेना और पुलिस करते भी हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो शंकर जी, क्या हम अहिंसा को राज्य एवं अंतर्राज्य स्तर पे एक सिद्धांत के तौर पे देख सकते हैं? सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल संभव है। और इस मुख्य बात वही है कि भारतीय परंपरा में या मैं वैश्विक परंपरा में भी मैं कहता हूँ कि सब जगह ये बात है। मैं एक छोटी सी ये बड़ी सुंदर हॉलीवुड फिल्म है एनिमी एट द गेट्स, बहुत प्रसिद्ध फिल्म जिन पर आती रहती है, आप देखें। इसमें दो स्नाइपर हीरो हैं, जर्मन है एक रशियन है, और दोनों अचूक निशानेबाज,
स्टेज पर है, शायद ये लेनिनग्राड की लड़ाई का है जहाँ पर कांटे की लड़ाई हो रही थी, रूसी से जंगल में थी, और रूसी स्नाइपर इतना शार्प है कि पूरे पूरी जर्मनी में, जर्मन सेना में उससे आतंक है। हाँ जी। और इधर उस हीरो भी बताया गया है कि उसके रहते हम लड़ाई जीत जाएंगे। तो देखिए हीरो का जिस चित्रण हुआ, दो करके भी उनके निर्भर आता है उसको अपने विरोधी पक्ष को, और दोनों में एक तरह की कॉर्डियलिटी है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो मैं इसे एक उदाहरण के रूप में देखता हूँ कि दुनिया में भी इस बात को ही माना जाता है कि आप कर्तव्य करते हुए अगर मार रहे हैं किसी को और अपने विरोधी ने नहीं है, तो ये हिंसात्मक भावना है। उस रशियन स्नाइपर की ड्यूटी थी उस जर्मन को मारना, और जर्मन स्नाइपर की ड्यूटी थी रशियनों को मारना। दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एक दूसरे के स्किल के एक तरह से प्रशंसक भी थे। दोनों डायलॉग्स आते हैं जिसमें लगता है कि वो मानता है कि वो उससे मैं पार नहीं पाऊंगा, वो इतना शार्प है, इतना सधा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरी भारतीय परंपरा में और वैश्विक परंपरा में भी ये है, और ये हो सकता है कि आप बिना विद्वेष रखे आप शस्त्र का प्रयोग करें और अपने देश, समाज, धर्म की रक्षा करें। तो इस प्रयोग हिंसा सिद्धांत उपयोग लगता है, लेकिन इसे उस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि हर हालत हम चुपचाप देखते रहे। और अगर आप मैं एक श्री अरविंद का एक उदाहरण मैं पढ़ना चाहूँगा। श्री अरविंद कहते हैं, वो गांधी जी वाले संदर्भ में ही विवाद में, वे कहते हैं कि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए, यदि तुम कहो कि मैं मारूंगा नहीं तो देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, लोगों की खुशी टूट जाएगी, अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, वही गुण दुख का स्रोत बन जाएगा और साधन बन जाओगे। तो अहिंसा को इस विकृत अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि हम हर हालत में हथियार नहीं उठाएं, हथियार उठाएं लेकिन सिर्फ अन्याय के प्रतिरोध में या लोगों की रक्षा में। इसके अलावा हथियार का सारा प्रयोग इसी अर्थ में हिंसा और अहिंसा को लेना चाहिए। तो शंकर जी, जैसे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्लासरूम एक्टिविटी होती है कक्षाओं में, तो मान लीजिए जैसे हमने गौतम बुद्ध की, सॉरी बुद्ध भगवान जी की हमने चर्चा करी, या हमने अरविंद जी की चर्चा, गांधी जी की चर्चा करी, तो अगर क्लासरूम एक्टिविटी के दौरान उनके विचारों का विरोध हो तो शिक्षा कैसे मानना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक तो रखना चाहिए, एक व्यक्ति एक विषय का स्कॉलर हो सकता है या अनुभवी हो सकता है, वह दूसरे विषय का भी हो सकता है। तो हमें यह देखना चाहिए कि किसकी किसकी बात अधिक तर्कपूर्ण है, तथ्यपूर्ण है, सत्य के निकट है, और किसको हमारा विवेक सही मानता है। तो जैसे पूछिए तो मैं अहिंसा के प्रश्न पर गांधी जी से अधिक श्री अरविंद की बात को उचित समझूंगा। तो इसी तरह हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति हों जिसमें जिनका अधिक अनुभव है, अधिक ज्ञान है, अधिक जिसने प्रयोग किया है और जो उसकी अथॉरिटी है उसकी बात माननी चाहिए। तो कक्षा में भी या शिक्षकों को भी यह देखना चाहिए कि अगर अलग अलग महापुरुष हैं और उनकी बातों में कोई विरोध दिखाई पड़ता है तो किस बात को सही माने। वहाँ अपने विवेक से ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किनकी बात अधिक तथ्यपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, संगत है और सदुपयोगी है। और ये करना कठिन नहीं है, खास करके ये सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में ऐसे अवसर प्रायः आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह कोई एक हार्ड फैक्ट, अनचैलेंजिंग फैक्ट नहीं होता है। इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। तो अगर आप उस पर विवेकशील रहें तो ये अंतर्विरोध सामने नहीं आएगा। आज अहिंसा, राजनीति और गांधी विचार से जुड़े तार्किक किस्सों को जाना। तो शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऐसे ज्ञानपूर्ण चर्चा के बारे में बताया और चर्चा की। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखिए किशोर मंच।